नाजरीन, गर्मी इतनी शदीद है कि सांस लेना भी मुहाल है, मगर आफरीन है हमारे लोगों पर, हमारी इस आवाम पर कि मुश्किल से मुश्किल वक्त भी हंस खेल कर गुजार लेते हैं। हाँ। आइए देखते हैं आज दोस्तों की महफिल में क्या हो रहा है। बैठो मलक साहब, बैठो जनाब, बैठो। वाह 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 वाह, सदके जावा आ गए हो। यही आपकी बड़ी हिम्मत है, आप तशरीफ लाए हैं। हाँ जी। ओए मुजफ्फर, मुजफ्फर बेटे। जी अब्बा जी। ओ बेटा, तुम्हारे अंकल आ रहे हैं सारे, जरा कोई को शिकंजवी वगैरह बना लो। अब्बा जी, जाग में बना लूं या कूलर भर लूं? ओ बेटा, कूलर में ही भराओ, कूलर में ही। अगर मलक अंकल आ रहे हैं तो फिर टब भर लूं? ओए आ रहे हैं, मलक अंकल भी आ रहे हैं, बना लो बना लो, टप में ही बना लो। फिर तो टप। इधर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। ये अब नहीं आएगा डरता हुआ। और तुम्हारे पीछे भी यार ऐसे शुगर लगाते हैं, वैसे बड़ा सा तुमसे डरता है। वैसे तुम लोग तो मेरा मजाक उड़ाते ही थे, लेकिन अब मेरा भतीजा भी मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। नहीं यार, क्या करते हो, उसकी जरूरत है, ऐसे ही प्यार करता है तुम्हारे साथ, उसको पता है कि मलक अंकल माशाल्लाह खुश खुराक है। ये 80% अफवाहें तुमने फैलाई हुई हैं, और बाकी 20% वो फिर हकीकत है। ओ मुजफ्फर, जल्दी से शिकंजवी लेके आओ। यार गर्मी नू गर्मी कट दी है, चाह मगा। अच्छा जनाब, ओ चाय ले आओ भाई, चाय ले आओ। बड़ा यूरोप यूरोप करता सी ये। मुबशर है तेरे दरवाजे तो थोड़ी दूर यूरोप पसीने पसीने हो गए डिगास। आओ तो मैं इनू झल मार मार के ले आया, लोकी तो इनू हॉस्पिटल ले चले सी। ओहो, चिल्ड्रन अस्पताल तो है भी बड़ा दूर। यार गर्मी ने जान कटी हुई है, तक मजाक सुझदा पे। और पहलवान की हाल? ओ यार, मेरे को तो लग दे के सूरज नु कहीं ने पैसे दे के ते मेरे मगर ला दीते। ओ गर्मी है यार। ओए होए होए, नहीं इसको वैसे ज्यादा लग रही होगी, ये यूरोप का बंदा है। ये जा, अब यहाँ आके जो बंदा यूरोप से आएगा उसको इतनी गर्मी कहाँ बर्दाश्त होगी। सूरज को क्या पता है, पाकिस्तान का बंदा है, जर्मनी का है। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी में नहीं आए? आया थे गड्डी चे, और नजर कमजोर हो गई ना बेचारे दी, वो एसी की जगह हीटर ला बैठा। और हीटर भी मुझे लग रहा है काफी तेज लगाया हुआ, शक्ल बिल्कुल पकौड़े जैसी हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी, माफी चाहता हूँ, जरा लेट हो गया। बिस्मिल्लाह। हम बच्चन पकौड़े की बात कर रहा था और तली हुई मिर्च भी आ गई। ना कर यार, दान यार, इतना दिन बेचारा बीमारी काट के अस्पताल से आया, तुम लोग आते शुरू हो गए। और नहीं नहीं, करो करो बातें, मैं हॉस्पिटल में इन सब चीजों को बड़ा मिस करता रहा हूँ। और तुम तो ऐसे दोस्तों के सिर्फ एक एक दफा मेरा पता लेने आए हो। ये मलक या जो मेरे पास रेगुलर आता रहता था, अच्छा जी, बड़ा सीरियस मुंह करके 5 मिनट मेरे पास बैठा रहता था। थोड़ी देर बाद यहाँ तो ये मेरा फ्रूट खाना शुरू कर देता था या साथ वाले बेड पे सो जाता था। फ्रूट तेरा बड़ा पाइनएप्पल सी हो, खट्टा टीट फाल सा बयान। वैसे मैं माफी चाहता हूँ मलक, हर मरीज ने तेरा यही उलामा दिया। ये मलक हॉस्पिटल को भी फैसलाबाद का होटल ही समझता है। कहीं सो जा, हर मरीज का फ्रूट खाने के बाद ये जरूर कहता है कि खट्टा था। अच्छा, मरीज तंग आके फ्रूट नहीं भी गिन के आंदे, कैलेंडर गिन आंदे फ्रूट दा, ए ला दे। साथ वाले बेड पे एक अम्मा जी थी, उनका तो ये दलिया भी खा जाता था। और दलिया खाने के बाद कहता था माँ जी खट्टा है, वो कहती थी पुत्र बोस गया। तो हमने तो इसको दलिये के साथ डबल रोटी खाते देखा है। और सारे तुसी मेनू गल्लां करन दे हो, तुसी जहर खांदे हो। ओहो, गुस्सा कर गया। यार अल्लाह हमारी दोस्ती को नजर ना लगाए, ये चीजें मैंने बड़ी मिस की हैं हॉस्पिटल। नहीं नहीं, हम लोग खुद भी तुम्हें मिस करते रहे हैं और तुम्हारे लिए दुआ गो रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। बस यार ये मौसम बड़ा अजीब हुआ हुआ है, किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को बुखार चढ़ रहा है, किसी का गला खराब है, अजीब हालत हुई हुई। हालांकि जर्मनी जी में गर्मी नहीं पौंदी। नहीं जर्मनी ते हो जे बंदे भी नहीं होंदे। चला गया ना उथे। हां हां, जर्मनी च गर्मी भी पए करे।